अली रजा ने जो कुछ भी गुफ्तगू की उसके आगे मैं बात बढ़ा रहा हूँ कि मौलाए एक मजमे के अंदर एक शख्स ने पूछा कि ये बताओ कि अगर खुदा है तो उसके पहले भी कोई होगा, उसके बाद भी कोई होगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर खुदा है तो उसका मुंह किस तरफ है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि अगर खुदा है तो वो इस वक्त क्या कर रहा है। पूरे भरे मजमे में कोई शख्स ना उठा, एक 9 साल का बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा मैं बताता हूँ, तेरे तीनों सवालों के जवाब देता हूँ। कहा तेरा पहला सवाल यह है कि अगर खुदा है तो उसके पहले भी कोई होगा और अगर खुदा है तो उसके बाद भी कोई होगा। मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तू 1 से लेकर 9 तक गिनती गिन, इसलिए कि 0 का कोई माना नहीं होता। तू 1 से लेकर 9 तक गिनती गिन, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती गिन ली। कहा अब इसी को उलट के गिन, रिवर्स काउंटिंग कर, 9 से लेकर 1 तक गिनना शुरू कर। उसने 9 से लेकर 1 तक गिनती गिननी शुरू की। अब उस 9 साल के बच्चे ने पूछा बता पहले क्या आया और आखिर में क्या आया। पहले भी एक आया, आखिर में भी एक आया। तेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। मैं तुझे बताता हूं, एक चिराग ले क्या, उसे रोशन कर। उस चिराग को लाया गया, रोशन किया गया। उस 9 साल के बच्चे ने कहा कि अब बता इस चिराग का रुख किस तरफ है। तेरा तीसरा सवाल यह है कि अगर खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। मैं उसका जवाब देता हूं। उस यहूदी को 9 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं इसका जवाब देता हूं कि अगर खुदा है और इस वक्त क्या कर रहा है तो सुन, खुदा है और इस वक्त एक 9 साल के बच्चे से एक यहूदी को जलील करवा रहा है। और वो 9 साल का बच्चा कोई और नहीं, मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आइए जिदाने ग्रामी, मैं इस सजे सजाए माहौल को बगैर किसी तमीज के एक ऐसे शायर की खिदमत में ले चलना चाहता हूं जिसने इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में और बैरूनी हिंदुस्तान भी, जहां जहां उसकी रसाई नहीं हुई है, उसने अपने तरन्नुम के जरिए, अपनी मनकबत के जरिए सिरसी की नुमाइंदगी की है। एक खुश लहन, बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन फिक्र, बेहतरीन अशार लेकर हाजिर हुए हैं जनाब शोभी साहब, सिरसी हमारी फेरिस्त में है। आप हजरात इनका इस्तकबाल नारे सलवात से कीजिए। शर्त गुजर जाए एक बार अली वाले, है शर्त गुजर जाए एक बार अली वाले, सहरा को बना देंगे गुलजार अली वाले, गुलजार अली वाले। अब यहां से दो शेर बतौर खास साझी करता हूं, मुलाजा कीजिएगा। जो दुश्मन हैदर है आ जाए वो मैदान में, जो दुश्मन हैदर है आ जाए वो मैदान में, लाखों बाबी भारी हैं दो चार अली वाले, दो चार अली वाले। ये शेर इस सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर करता हूं तौर खास तमाम मोमिनों की नजर, मुलाजा कीजिएगा। इस पार सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा हजरत। अब देखिए मिलता है किस्मत से किसे कौशल, अब देखिए मिलता है किस्मत से किसे कौशल, इस पार नुशहरी है उस पार अली वाले, उस पार अली वाले। मोमिनीन हजरात, आज हम जश्न सकीना में यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है, वरना हम जैसे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। मौला की बारगाह में अर्जी लगाई, उन्होंने कबूल किया और जरिया बनाया, वसीला बनाया मालिक अश्तर टूर्स को, और मौला ने यहाँ बुला लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मालिक अश्तर टूर्स का, और मौला इन्हें कामयाब करे हर
हर हर इनके मकसद में। आप हजरात सलवात पढ़ें। मैं चार मिसरे जनाब सकीना की शान में पेश करना चाहता हूँ यहाँ से, जिसने सकीना मुलादा कीजिएगा चार मिसरे बतौर खास तमाम। बताए मर्तबा कैसे भला दुनिया सकीना का। चार मिसरे यहाँ मौला ने अता किए, अभी यहाँ बैठ के वही चार मिसरे हाजिर करता हूँ। बताए मर्तबा कैसे भला दुनिया सकीना का। कसीदा पढ़ रहे हैं जब शहे वाला सकीना का। अब ये दो मिसरे यहाँ बैठे हुए तमाम मोमिन की जानिब से, एक एक मोमिन की जानिब से ये दो मिसरे मैं बारगाह बाबुल हवाइज में पेश करता हूँ बतौर खास। कसीदा पढ़ रहे हैं जब शहे वाला सकीना का। कसीदा पढ़ रहे हैं जब शहे वाला सकीना का। मैं तेरे दर पे आया हूँ तो अब खाली ना जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ तो अब खाली ना जाऊंगा। मेरे आका मुझे भी दीजिए सदका सकीना का। मेरे आका मुझे भी दीजिए सदका सकीना का। चार मिसरे मैं और यहाँ पेश करना चाहता हूँ बतौर खास। जैसा कि मालूम हुआ अरबईन में यहाँ 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन मौला का करम का शुक्र के कभी कोई हादसा न हुआ। आखिर उसकी वजह क्या है, मैं इस पस मंजर में चार मिसरे बतौर खास पेश करता हूँ। आप हजरात नारे दुरूद पढ़ दिए, मैं मिसरे पेश करता हूँ। पासबां शाहे हुदा के हजरत अब्बास हैं, हजरत अब्बास हैं। चारों मिसरे बतौर खास नजर कर रहा हूं। ये पासबां शाहे हुदा के हजरत अब्बास हैं, हजरत अब्बास हैं। जानशी मुश्किल कुशा के हजरत अब्बास हैं, हजरत अब्बास हैं। जानशी मुश्किल कुशा के हजरत अब्बास हैं। दो मिसरे बतौर खास। हादसा होता नहीं है, हादसा होता नहीं है रोज़े शबीर पर। मुंतजिम करबो बला के हजरत अब्बास हैं, हजरत अब्बास हैं। मुंतजिम करबो बला के हजरत अब्बास हैं। आखिरी चार में से मौला अब्बास की बारगाह में पेश करता हूँ बतौर खास। मुंतजिम करबो बला के हजरत अब्बास हैं, हजरत अब्बास हैं। चार में से और मौला अब्बास की बारगाह में मुलाजा कीजिएगा एक मरतबा नारा सलवात पढ़ने आप हजरात। اللهم صل على محمد وآل محمد
अपने भाई कही कातिल नहीं पैदा होगा, मेरा दावा है कि बातिल नहीं पैदा होगा, जिसके घर उठता हो अब्बास दिलावर कालम, उसके घर में कोई बुजदिल नहीं पैदा होगा।